गाइज आपका स्वागत है वेक्टर स्पेस के नए लेक्चर में। वेक्टर स्पेस का आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है एलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। इसी का हिंदी में नाम होता है बीजगणित का उपस्थान। और इसी टॉपिक को एलजेब्रा ऑफ सब स्पेस को ही हम बोलते हैं, अदर नाम से भी जानते हैं इसको, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सब स्पेस। इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सब स्पेस, इंटरसेक्शन मतलब अभी कटाव होता है और यूनियन का मतलब संघ होता है। ये आपको मालूम है, टॉपिक का नाम समझ गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जामिनेशन में कैसे आएगा टॉपिक, एग्जामिनेशन में इस चैप्टर वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, इसमें आपका थ्योरम्स के फॉर्म में ही क्वेश्चन आता है, थ्योरम्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो आज का जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है थ्योरम्स के फॉर्म में। तो आज हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं, समझने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, थ्योरम क्या दिया गया है उसको समझते हैं। यहाँ पे थ्योरम क्या है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज ऑल्सो अ सब स्पेसिस ऑफ वी एफ। हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ, जो इंटरसेक्शन है वेक्टर स्पेस सब स्पेसिस का, वो भी एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का। ये हमें प्रूफ करना है, ये आपको मैं अच्छे समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए डायग्राम समझते हैं इसका। इंटरसेक्शन मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन बोल रहा है टू सब स्पेसेस का, इट मीन्स इस एरिया का बात कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस। ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। बॉक्स देख रहे हो आप, क्या है, ये वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर दो सर्कल हैं, इसका नाम है W1, इसका नाम है W2। ये दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस का सब स्पेसेस है, वेक्टर सब स्पेसेस है W1 और W2, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कटाव, मीन्स देख रहे हो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है और दोनों का एक दूसरे के अंदर पार्ट है, ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब हम प्रूफ करते हैं कि ये सब स्पेस है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये जो एरिया देख रहे हो साइड वाला, इस ये जो एरिया है ये सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। इसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखने का तरीका क्या है इसको, इंटरसेक्शन को ये समझ लो आप पहले। इंटरसेक्शन लिखने का तरीका ये होता है W1 इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है, W2, इस तरीके से। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेट W1 एंड W2 आर एनी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को हम VF से डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, हमें इसे सब स्पेस प्रूफ करना है, दैट मीन्स ये आपको पहले पता होना चाहिए सब स्पेस क्या होता है। सब स्पेस समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बेसिक अच्छे से समझा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे समझना है आपको सब स्पेस, ये वेक्टर स्पेस देख रहे हो आप, वेक्टर स्पेस के अंदर है ये W1 W2, उसके अंदर है, दैट मीन्स उसके अंदर है, इसलिए क्या बोलेंगे सब स्पेसेस। तो W1 W2 क्या दिया गया हमारे पास, सब स्पेसेस, और इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी है। और इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो हमें दिख तो रहा है कि ये सब स्पेस ये भी है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे ये समझना है आपको। सो नाउ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, देयरफॉर जीरो आइडेंटिटी, ये आपको मालूम है, जब कोई भी एलिमेंट सब स्पेस होता है इसका मतलब यह है उसमें जीरो आइडेंटिटी भी होता है। इट मीन्स ये जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2 रहेगा। इट मीन्स तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन W1 एंड W2, सिंस therefore W1 and W2 are non-empty set. Now we have to prove that. Now we have to prove that W1 and W2, you have a dead लिखो आप, W1 इंटरसेक्शन
डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अभी प्रूफ कैसे करेंगे ये समझते हैं। सब अब जैसे ही मैं आपको इंटरसेक्शन बोलूंगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इंटरसेक्शन है क्या। इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है हमारा जो मैंने आपको शो किया है, इसको लिखते कैसे हैं डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू। ठीक है, अब यहाँ मैं बोलूंगा आपको सपोज करना होगा लेट अल्फा, यहाँ से लेंगे इस पार्ट से अल्फा लेंगे और बीटा लेंगे। आपको एक चीज़ इमेजिन करना है मेरे साथ आप इमेजिन करो कि सपोज यहाँ अगर मैं अल्फा लूँगा कोई भी एलिमेंट, इस पार्ट मैंने सपोज अल्फा लिया, इस पार्ट में एक एलिमेंट लिया मैंने अल्फा, अगर ये अल्फा है तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि W1 के अंदर भी है और W2 के अंदर भी है, ये आपको समझ आ रहा है। साथ ही अगर मैं बीटा लूँगा यहाँ पे, ये इस तरीके से ये बीटा है मान लेते हैं अभी, तो ये बीटा जो है, ये बीटा है अगर, तो ये बीटा भी देख रहे हो आप W1 के अंदर भी है और W2 के अंदर भी है, ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर अब लिखना है आपको लेट अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हो जैसे मैं आपको बताया अभी कि ये अल्फा अगर देखते हो अभी, अगर मान लो ये अल्फा है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये अल्फा लिया हमने, ये बीटा लिया, तो अल्फा ये W1 में है। अब इंडिविजुअल भी तो हो सकता है ना, आपको ऐसा रखना है कि अल्फा क्या है W1 में है, और ऐसा भी बोल सकते हो अल्फा W2 में भी है, और वैसे बीटा W1 में है और बीटा W2 में भी है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि, तो यहाँ से आपको लिखना कैसे, ये हमने लेट किया, इसके बाद देन यहाँ से लिखना है आपको अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू वन, एक पर्टिकुलर हमने इसे लिया एंड डब्लू टू। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये डब्लू वन में भी हो सकता है, डब्लू वन एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू टू में भी हो सकता है ये। सिमिलरली बीटा को अगर मैं डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू बोलूँगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बीटा क्या है, डब्लू वन से भी बिलोंग करता है, साथ ही बीटा बिलोंग्स टू डब्लू टू भी होगा। अब क्योंकि हमको मालूम है कि W1 और W2 क्या है, ऑलरेडी एक सब स्पेसिस है, वेक्टर सब स्पेस है, तो यहाँ से हम एक कंडीशन जो वेक्टर सब स्पेस का कंडीशन होता है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया पूरा अच्छे से, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको लिखना है सिंस W1 एंड W2 आर वेक्टर सब स्पेसिस, सो सपोज ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं फील्ड, हमने लेट किया लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड से ही बिलोंग करता है ए और बी हमेशा, और इस कंडीशन को लेंगे, यहाँ देख लो आप अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू वन है, बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन, सो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमारे पास ए अल्फा प्लस में बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन, जिसको ऐड करने पर क्या होगा हमारे पास डब्लू वन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से एक और चीज़ कह सकते हैं कि फिर से आप मान लो ए और बी किससे बिलोंग करता है, फील्ड से बिलोंग करता है, साथ ही अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पर देख रहे हो आप डब्लू टू से बिलोंग कर रहा है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा भी डब्लू टू से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू टू, सो ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू टू, इसे नाम दो आप इक्वेशन नंबर वन और इसे नाम दो इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ से समझो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब यहाँ से ध्यान देना आपको, आपको मालूम है यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा कुछ ये रहे कि अल्फ़ा ये करने पे भी ऐड करने पे भी W1 से बिलोंग कर रहा है, और इस वाले को भी ऐड करने पे भी क्या कर रहा है W2 से बिलोंग कर रहा है। इस मीन्स ऐसा कौन सा कंडीशन, आप ध्यान देखो, ये ऐड करने पे पहला ऐड किया हमने तो W1 से बिलोंग किया, दूसरा ऐड किया तो फिर से W2 से बिलोंग किया, दोनों सेम ही है। ध्यान से देखो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, एक ही पर्सन W1 और W2 में बिलोंग कर रहा है। सपोज एक पर्सन है, यहाँ मान लेते हैं अल्फ़ा है, अभी भूल जाओ आप इसे, अल्फ़ा जो है W1 में बिलोंग कर रहा है और W2 में भी है, इसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा जगह है वो इंटरसेक्शन वाला जगह, ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, इसी प्लेस में हो सकता है वो, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है। दोनों में कब अवेलेबल रहेगा, जब वो इंटरसेक्शन वाले एरिया में होगा। इट मीन्स दैट यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W2। इसे लिखना आपको ऐसे है कि यहाँ पे आप लिखोगे पहले ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा बिलोंग्स टू W1, फिर यहाँ डालना एंड ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा बिलोंग्स टू W2, देन वी कैन से दैट, तब ये कहेंगे हम ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। देयरफोर आपको मालूम है कि अगर ए और बी ऑलरेडी फील्ड से बिलोंग करता है,
साथ ही हमने माना था अभी कि अल्फा और बीटा कहाँ है, यहाँ पे हमने माना था अभी अल्फा और बीटा क्या इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, हमने प्रूफ कर दिया। देन ऑल्सो वी कैन से दैट ए अल्फा प्लस में बी बीटा, ये भी एक तरीका लिखने का, बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, हैंस हैंस वी कैन से दैट डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज ऑल्सो सब स्पेस सब स्पेसेस ऑफ वैक्टर स्पेस वी एफ। ठीक है, ये तरीका होता है आपको प्रूफ करने का, पूरा समझ समझ के करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन आपको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ के करिए आप। ठीक है, अब सेकेंड थ्योरम में जाते हैं जहाँ पे मैं यूनियन बताऊंगा आपको, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, यूनियन ऑफ वेक्टर सब स्पेस। यूनियन मतलब क्या होता है, संघ और उपस्थान। ठीक है, संघ का उपस्थान टॉपिक का नाम है और इसमें थ्योरम पूछा जाएगा आपको, एग्जामिनेशन में थ्योरम पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं, द यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस इज अ सब स्पेसेस इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन, यदि और यदि वन इज कंटेंड इन अदर, मतलब एक एक के अंदर है, एक एक के अंदर रखा है, तभी इस कंडीशन में ही ये थ्योरम प्रूफ करना है हमें, ये इसी कंडीशन में प्रूफ हुआ है थ्योरम। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है, डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ यूनियन क्या होता है। सबसे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर सब स्पेसेस of VF। अब चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब ये जो आप शेडेड एरिया दिख रहे हो जहां पे लाइन लाइन है, जितना एरिया आपको दिख रहा है स्पेशली अलग से, यही एरिया हमारे यूनियन वाला एरिया है। यूनियन मतलब होता है दोनों का, दोनों इसमें अवेलेबल होना चाहिए, ए यूनियन बी अगर बोलूंगा मैं तो यहाँ दोनों अवेलेबल होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो डब्बा वाला एरिया, पूरा डब्बा वाला एरिया क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू। अभी मैंने आपको इंटरसेक्शन पढ़ाया था, ये हमारा वी एफ है वेक्टर स्पेस, इसके अंदर सब स्पेस है हमारा डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू। सब स्पेस का मतलब ये होता है स्पेस है उसके अंदर, अगर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू है उसके अंदर है, दैट मीन्स सबसेट है, दैट मीन्स वो सब स्पेस होता है, ये आपको समझना होगा। कंडीशन अगर आपको समझना है अच्छे प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू कहते हैं, और इसका नाम जहाँ पर इसका नाम है इस वाले का डब्ल्यू वन और इस वाले का डब्ल्यू टू सर्कल का। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप ये मत समझो, एक और फॉर्म होता है यूनियन का, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप कंटेंट ऐसा वाला कंटेंट वाला बात आ रहा है यहाँ पे, तो सपोज़ आप ऐसा मानो कि ये है हमारा, एक बार मान लेते हैं W1 ये है, जब W1 बाहर वाला रहेगा तो W2 ये वाला बन जाएगा, और जब मान लेते हैं एक बार W2 अगर बाहर को मान लेंगे हम तो अंदर वाला W1 बन जाएगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आप कह सकते हो W1 का सबसेट क्या है, W2 का सबसेट W1 है। इसको कैसे लिखेंगे समझो आप, पहले सपोज W1 इज सबसेट ऑफ W2, ये अगर बोलूंगा मैं, पहले केस में देख रहे हो आप W1 बाहर वाला है अंदर वाला W2 है, W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। ठीक है, तो यहां पे चेंज कर दो आप, पहले उल्टा कर दो यहां पे, पहले W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, एंड एक और कंडीशन लेंगे दूसरे केस में। अब दूसरे केस में क्या होगा, W2 बाहर वाला है, W2 अगर बाहर वाला है तो हम कह सकते हैं कि W1 इज सबसेट ऑफ W2। ठीक है, अब जब ये कंडीशन होगा तब फिर से आपको ये लिखना है W1 सबसेट ऑफ W2, यहाँ आपको देन लिखना है इस तरीके से, ये लिख लिया आप, तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से क्या कहेंगे इसको ध्यान से आप समझना है आपको,
कि ये कह रहे हैं हम यहाँ पे कि डब्ल्यू वन अगर यूनियन डब्ल्यू टू है, यहाँ पे आप और करोगे ठीक है, तो जब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के अंदर है तब W1 यूनियन W2 को मतलब क्या होगा कि ये W2 के इक्वल होगा, ऐसा मत समझो, आप दिमाग ये लगाओ कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझो पहले आप। ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि W1 अंदर है मतलब अंदर वाले सर्कल का नाम W1 है और बाहर वाले सर्कल का नाम क्या है W2 है, इट मीन्स ये पूरा W2 के इक्वल होगा ना, क्योंकि W2 बड़ा वाला है तो उसके अंदर है ना जो भी है, जैसे W2 इक्वल टू में आ गया ठीक है। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन या और बोलो जो भी, तो यहाँ से क्या होगा W2 सबसेट है किसका, जब W2 सबसेट होगा तब ये कंडीशन में आ जाएगा W1 यूनियन W2 इक्वल टू, ये अभी W1 के अंदर है इसलिए W1 बड़ा वाला हो गया इसलिए W1 में इक्वल में आ जाएगा, पूरा समझने वाला चीज़ है ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ वी एफ वेयर डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर सब स्पेसेस ठीक है, ये आपको पहले से मालूम है। अब यहाँ पे एक हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे मतलब एक अपोजिट लेंगे, जो हमने माने उसको अपोजिट मानेंगे। अब यहाँ को लेना है कन्वर्सली, अब यहाँ से आपको पूरा चेंज हो जाएगा, लेट डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू आर वैक्टर आर सब स्पेसेस ऑफ वैक्टर स्पेस वी एफ ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है हमें ये समझो आप, वी हैव टू प्रूव दैट W1 is subset of W2 or W2 is subset of W1, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सो वी विल प्रूफ इट, सो वी शैल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मानेंगे अब ऐसा देखना, यहाँ आई है ना कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है। हम अभी हमने माना कि ये W1 और W2 को हमें सबसेट प्रूफ करना है, तो अब इसका हम अपोजिट मानेंगे, मान लेते हैं कि W1 जो है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना समझना है अच्छे से ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी हो गया ओवर हमारा, अब इसको आप फिर समझो, मान लेते हैं मानते हैं सपोज मान लो यहाँ पे आप कि W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, नॉट है मतलब कैसे लगेगा ऐसा, नॉट है इट मीन्स ऐसा मानो आप कि सबसेट कंडीशन क्या होता है कि सबसेट कंडीशन ये होगा W1 ना, तो W1 अंदर रहेगा बाहर में W2 रहेगा ठीक है, लेकिन नॉट बोल दिया मतलब सबसेट नहीं है, मतलब क्या होगा कि W1 एक अलग है और W2 एक अलग है, इस तरीके से कोई मतलब नहीं है दोनों को। तो सपोज मैं अगर W1 में अल्फा लूँगा, अगर मान लेते हैं W1 में एक अल्फा लिया तो क्या वो W2 से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ को लिखना है देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू W1 बट नॉट बिलोंग्स टू W2, इस तरीके से इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर वन, ये समझने का तरीका होता है। अब यहाँ पे W2 मान लेते हैं नॉट बिलोंग्स टू W1, तब क्या होगा वो समझो, अब मान लेते हैं कि मैं मान लिया ये W1 और W2 सबसेट नहीं है, मतलब दोनों कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, तो सपोज मैं W2 में अगर अल्फा मान लूँगा, लेट सपोज कि अल्फा एलिमेंट को मैं W2 में ले लिया, तो क्या W2 में तो प्रेजेंट है मतलब अल्फा बिलोंग्स टू W2 बोलेंगे हम पहले, और उसके बाद क्या होगा W1 में बिलोंग करता है क्या, नहीं करता, तो यहाँ पे सेम लिखना है आपको स्टेटमेंट, अल्फा बिलोंग्स टू W2 बट नॉट बिलोंग्स टू W1, तो नॉट के लिए क्या लगेगा ऐसा, इसको नाम दो क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ आपको देयर एग्जिस्ट लिखना है ना, अब यहाँ को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये लिखा आपने, इसके बाद देखो क्या होगा, ये इक्वेशन वन में अगर क्या लिखा अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन है, तो यहाँ से आप देख रहे हो अगर आप कि अल्फा अगर बिलोंग करता है, अल्फा अगर बिलोंग करेगा डब्ल्यू वन से, अल्फा अगर बिलोंग करे डब्ल्यू वन से, इट मीन्स दैट अगर मैं सब अगर मैं यूनियन की कंडीशन में आ जाऊँ, आप मान लो कि यूनियन में है, अगर ये डब्ल्यू वन में है तो डब्ल्यू टू में भी होगा, कि पूरा तो कंबाइन है दोनों एक ही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अभी हम यूनियन की कंडीशन में आ गए ना, तो यहाँ से क्या होगा अल्फा बिलोंग्स टू
डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू। अब यहाँ बीटा लेंगे, दूसरा एलिमेंट लेते हैं अल्फा, बार बार लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा अपोजिट। तो यहाँ भी एक काम करते हैं हम, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो अल्फा है इसको आप बीटा कर लो, एलिमेंट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम, एलिमेंट को आप चेंज कर लोगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बीटा कर लो तो कन्फ्यूज़न होगा आगे। तो यहाँ देखो बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू होगा, इट मीन्स दैट कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू, सॉरी बीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयर फोर डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज सब स्पेस, सो वी हैव। तो यहाँ से क्या होगा, अगर डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू सब स्पेस है, मैं ऑलरेडी प्रूफ भी कर लिया है, तब हम क्या होगा, इससे हमारा कंडीशन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, ये हम कह सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब स्पेस है तो यहाँ पे एडिशन लॉ लगेगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू। देखो अल्फा प्लस बीटा जो है ये पूरे में बिलोंग कर रहा है, सपोज या तो डब्ल्यू वन से बिलोंग करेगा या तो डब्ल्यू टू से बिलोंग करेगा, अगर इस फॉर्म में समझोगे अगर तो भी समझ सकते हो। तो यहाँ से बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू आया था हमारे पास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है बिलोंग करेगा डब्ल्यू वन से, डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, या फिर ये और लगा दो आप इसमें, और बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू। अगर इफ़ अभी हमने प्रूफ किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है डब्ल्यू वन से बिलोंग करता है, ये डब्ल्यू वन से बिलोंग करता है एडिशन करने के बाद, हमने ये भी प्रूफ किया था कि अल्फ़ा जो है डब्ल्यू वन से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का लॉ लगा के, मतलब इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होता है ना इसमें, इनवर्स वाला, इनवर्स आइडेंटिटी वाला, वो लगाएंगे यहाँ पे माइनस अल्फ़ा, ये माइनस कैसे होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन। सेम यहाँ पे कर लो आप इसको, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बीटा क्या कर रहा है, डब्ल्यू टू से बिलोंग कर रहा है यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टू। सो यहाँ पे आप देखो अभी हमने क्या माना था, यहाँ पे मैंने आपको मान के प्रूफ करवा दिया इक्वेशन टू, हमने देखो अब इक्वेशन टू को ध्यान देखो, बीटा नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन मैंने आपको प्रूफ किया था, और यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, इट मीन्स विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ को लिखना है विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है। तो यहां से कंडीशन प्रूफ हुआ हमारा, हेंस आइदर डब्ल्यू वन सबसेट ऑफ डब्ल्यू टू, या फिर यही कहने का मतलब यह है कि या तो एक डब्ल्यू वन के अंदर रहेगा डब्ल्यू टू के, या फिर डब्ल्यू टू अंदर रहेगा डब्ल्यू वन के, और डब्ल्यू टू सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होता है गाइज, सब अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए, आपको क्लास समझ आया कि नहीं आया। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।